खाना पीना भी नहीं है। वैसे तो जो यहाँ गांव से निकलते हैं तो कोई पानी भी नहीं पीने देता, नल भी नहीं पकड़ने दे रहा। अच्छा, नल नहीं पकड़ना यार, हमारा कोरोना है। अरे कोरोना नहीं, हमारे पास मजबूरी है। राजकुमार की बातें दिल में ठोकर मार रही हैं। कैसा निर्दयी समाज है हमारा, क्या एक बीमारी हमारे मानवीय संबंधों को भी तोड़ देगी? क्या हम इतने भयभीत हो गए कोरोना से कि एक अतिथि को खाना भी न दे सकें, उसकी प्यास भी न बुझा सकें? कम से कम हम तो ऐसे न थे। खाने के लिए नहीं तो पैसा खत्म हो गया, काम नहीं चल रहा था, एक महीना हो गया, कब तक बैठे बैठे खाएंगे बताओ। ये बांदा है और ये जो लोग दिखाई दे रहे हैं ये राजस्थान से यहाँ तक पैदल चले आ रहे हैं। जरा सोच कर देखिए, हम और आप 1-2 किलोमीटर चल लें तो कितना थक जाते हैं, हांफने लगते हैं। फिर तो ये लोग 1000 किलोमीटर दूर से चले आ रहे हैं। आज अगर बसें और ट्रेनें चल रही होती तो ये लोग यूं सड़क पर पैदल न चल रहे होते। ये सब राजस्थान में छोटा मोटा काम करके अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहे थे। पेट की आग ही उन्हें यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर ले गई थी। हम 4 आदमी अलग अलग जगह से है ना, कुछ जगहों के नाम है। हाँ, एक ही जगह से आए? नहीं, एक ही जगह से आए हैं, एक शेर के पास काम करते थे। और जहाँ कहाँ कहाँ रहे हैं? जहाँ अलग अलग गांव के। आपको पता है कौन कौन से गांव? हाँ, कोई मतलब नहीं होता है, कोई सड़ा का है, कोई कलोरिया गाँव का है, तो दूर दूर क्या। यहाँ काम मिल गया होता तो ये लोग अपने गाँव से इतनी दूर क्यों जाते? इनकी भी मजबूरी थी। राजकुमार और राम नारायण जैसे कितने ही लोग हैं जो देश के भिन्न भिन्न भागों में 2 जून की रोटी की तलाश में गए थे। लॉकडाउन के कारण वहां फंसे तो जैसे तैसे गुजारा किया, जब सहन नहीं हुआ तो चल पड़े पैदल ही अपने गांव अपने घर की ओर। रास्ते में किसी ने कुछ खाने को दे दिया तो खा लिया, पर कुछ ऐसे भी निष्ठुर मिले जो कोरोना से डरकर अपना मानव धर्म ही भूल गए। मदद कुछ किया नहीं, खाना पीना भी नहीं। वैसे तो जो यहाँ गांव से निकलते हैं तो कोई पानी भी नहीं पीने देता, नल भी नहीं पकड़ने दे रहा। अच्छा, नल नहीं पकड़ना यार, तुम्हारा कोरोना है। अरे कोरोना नहीं, हमारे पास मजबूरी है। खाने के लिए नहीं तो पैसा खत्म हो गया, काम नहीं चल रहा था, एक महीना हो गया, कब तक बैठे बैठे खाएंगे बताओ। मजबूरी थी हमारी, वहाँ से आना पड़ा। हमारे कोरोना नहीं, हम इतना जानते हैं, 1000 किलोमीटर पैदल आए हैं। जिसको कोरोना पकड़ेगा वो 7 किलोमीटर नहीं चल सकेगा। बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। क्यों हम ये सब भूल जाते हैं? हमारा देश तो आदिकाल से ही दरवाजे पर आए किसी भी अतिथि को भगवान की भांति समझता था, उसके लिए ना हो पर अतिथि की पूरी आवभगत करता था। ये थी हमारे देश की संस्कृति। ध्यान रखिए कि वक्त हमेशा एक सा नहीं होता। आज उसकी मजबूरी है तो हो सकता है कल आपकी हो। इस बात को ध्यान में रखेंगे तो हम मानव बने रहेंगे और तभी ये देश भी बना रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबाएं और वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताएं।